अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ बहुत ही क्रिस्पी एंड डिलीशियस पोटैटो वेजेस रेसिपी। एंड इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो इस रेसिपी के लिए हमें रिक्वायर्ड है 4 to 5 मीडियम साइज पोटैटोज। पोटैटोज को वॉश करके पील कर लें और वेज शेप में कट कर लें। इस तरह वेज शेप में कट करने के बाद हमने इन्हें करना है बॉयल, जिसके लिए आप वाटर को बॉयल कर लें, उसमें ऐड करें 1 teaspoon सॉल्ट, इसमें ड्रॉप करें पोटैटो वेजेस। 3 to 4 मिनट्स के लिए हमने इन्हें बॉयल करना है। जब पोटैटोज बॉयल हो रहे हो, मीनवाइल हम अपना बैटर बना लेंगे कोटिंग के लिए, जिसके लिए बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 cup ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1/4 cup जाएगा कॉर्न फ्लोर, स्पाइसेस में जाएगा 1 teaspoon सॉल्ट, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon क्यूमिन सीड्स, 1 teaspoon चाट मसाला, 1/2 teaspoon गार्लिक पाउडर एंड 1/2 teaspoon ओरिगानो। इन सब स्पाइसेस को मिक्स करें और वाटर ऐड करते जाएं और एक स्मूथ सा बैटर बना लें। बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए बैटर को और बहुत थिक भी ना हो, बस इतना हो कि एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए और फिर हम अच्छे से वेजेस को कोट करेंगे इस बैटर में। उससे पहले हमने वेजेस को अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर तक कूल डाउन कर लेना है। ये देखिए वेजेस हमारे बॉयल हो गए, हम इन्हें पहले करेंगे स्टेन ताकि एक्स्ट्रा वाटर इसमें से निकल जाए, फिर इन्हें पैट ड्राई कर लें और रूम टेम्परेचर तक कूल डाउन कर लें। अब बैटर में हमने ऐड कर दिए वेजेस, अच्छे से कोट कर लें। साथ ही ऑयल को हम हीट अप कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इस पे डालें कोटेड वेजेस, तब तक फ्राई करें जब तक एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये देखें यहाँ पे हमारे पोटैटो वेजेस परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं। आप अगर चाहें तो इन्हें बेक भी कर सकते हैं। I hope you like this recipe. Serve hot with dip of your choice and subscribe to my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.